लगे हाथ ये भी तय कर लेते हैं कि मेहंदी, संगीत, शादी सब कहाँ और कैसे होगी। मुझे तो लगता है फंक्शंस डिवाइड कर लेने चाहिए, मतलब आधे फंक्शंस यहाँ शाह हाउस में और आधे फंक्शंस कपाड़िया हाउस में। इस नए घर का पहला आई लव यू। अनुज खुद यही चाहता है कि डिम्पी की बजाय कपाड़िया मैंशन से हो। अनुपमा चुप है तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसे कपाड़िया हाउस में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना?